हेलो फ्रेंड, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सफेक्स के बारे में जो बहुत यूजफुल होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। कई बार कम्पिटेटिव एग्जाम्स में कुछ स्पेलिंग एरर्स मिलते हैं, यानी कि हमें स्पेलिंग्स मिलती हैं, जिनमें हमें फाइंड आउट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि उनका जो सफेक्स लगा हुआ है वो कौन सा करेक्ट होगा। तो ऐसे ही हम दो सफेक्स की बात करेंगे आज इस वीडियो में, जो है आपके IVLE एंड AVLE। यानी कई बार स्पेलिंग में IVLE एंड AVLE का काफ़ी यूज किया जाता है और हमें कन्फ्यूजन बहुत होती है कि कहाँ पर हम IVLE यूज करें और कहाँ पर AVLE का प्रयोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि हम कहाँ पर AVLE सफिक्स का प्रयोग करें और किन किन शब्दों में। इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यूजेस हैं और रूल्स भी हैं, उनको मैं आज यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे पहला यूज है कि यदि कोई रूट वर्ड, यानी मान लें कोई एक स्पेलिंग है जिसके सफिक्स में हमें या तो AVLE लगाना है या IVLE लगाना है, तो कब लगाएं? तो पहला है कि जो वर्ड है रूट वर्ड, उसका एक पूरा अर्थ होना चाहिए, यानी पूरा एक अर्थ निकलना चाहिए। जैसे स्पेलिंग बात कर लेते, जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है आपका असेप्ट, ACEPT, असेप्ट। असेप्ट आपका क्या हो गया? रूट वर्ड हो गया। अब इसके बाद हम AVLE का यूज करेंगे या IVLE का यूज करेंगे, आप सोचिए। तो एक ऐसा रूट वर्ड जिसका एक कंप्लीट अर्थ निकलता है, उसके एंड में हम हमेशा AVLE सफिक्स का प्रयोग करेंगे। जैसे असेप्ट का क्या होगा? असेप्टेबल। जैसे अवेल, AVAIL, अवेल क्या है? पूरा रूट वर्ड है और कंप्लीट अर्थ आता है इसका। अवेल है, अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ब्रेक है, ब्रेक मीन्स तोड़ना, तो कंप्लीट अर्थ आ रहा है इस रूट वर्ड का। तो इसमें हम IVLE यूज करें या AVLE का यूज करेंगे, तो इसमें यूज करेंगे AVLE का, यानी ब्रेकेबल, BREAKABLE, इस तरह से। जैसे वर्ड है एक और नेक्स्ट, करेक्ट, CORRECT, करेक्ट में आप AVLE यूज करेंगे या IVLE यूज करेंगे, तो आप खुद सोच लीजिए, करेक्ट आपका रूट वर्ड और जिसका कंप्लीट अर्थ आ रहा है, तो हम इसमें यूज करेंगे आपका AVLE का, यानी करेक्टिवल। ठीक उसी तरह हम आपको और वर्ड देते हैं, आप इन्हें खुद सोच लीजिए। जैसे डिपेंड है, डिपेंडेबल होता है। अब डिपेंडेबल में IVLE आएगा या AVLE आएगा, तो डिपेंड जो वर्ड है उसका कंप्लीट अर्थ आ रहा है, जो रूट वर्ड है हमारा डिपेंड, उसमें कंप्लीट अर्थ आ रहा है, तो उसमें हम IVLE का यूज नहीं कर सकते। उसमें किसका यूज करेंगे? AVLE का। तो क्या हो जाएगा? डिपेंडेबल। नेक्स्ट बात करें डिटेस्ट। डिटेस्ट एक कंप्लीट अर्थ है और डिटेस्टेबल यानी IVLE या AVLE आप समझ सकते हैं, तो इसमें यूज किया जाएगा डिटेक्टेबल, DETECTABLE। एस्पेंड की बात कर लेते हैं, एक एस्पेंड वर्ड है, इसमें आपको IVLE यूज कर रही है या फिर AVLE, तो एस्पेंडेबल, तो एस्पेंडेबल में भी आपका AVLE का यूज किया जाएगा। जैसे पास, PASS, पास में क्या यूज होगा? पासेबल, AVLE का यूज किया जाएगा। और बात कर लेते हैं पर्सन, पर्सन का क्या हो जाएगा? पर्सनेबल। और देखते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंटेबल हो जाएगा। रिमार्क है, तो रिमार्क का भी कंप्लीट अर्थ आ रहा है, तो रिमार्केबल, ठीक है ना। तो आपको ये पहला यूज समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप AVLE या IVLE में से किसका प्रयोग करेंगे? AVLE का। कब? जब जो रूट वर्ड आपको आगे दिया गया है उसका कंप्लीट अर्थ आता हो तो। चलिए दूसरा यूज की बात कर लेते हैं कि एक ऐसा सफेक्स जिसका कंप्लीट अर्थ आ रहा है, यानी जो वर्ड है आपका रूट वर्ड, उसका कंप्लीट अर्थ है लेकिन एंड में ई लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ई। जैसे बात करें आरगू, ARGUE, आरगू, आरगू कंप्लीट अर्थ आ रहा है और जिसके अंत में क्या आया आपका? एंड में ई। अब इसमें IVLE यूज किया जाएगा या AVLE का यूज किया जाएगा? आरगूएल। तो करना क्या है कि जो एंड में ई आएगा उसे हम हटा देंगे और उसके स्थान पर AVLE का प्रयोग करेंगे। जैसे आरगूएबल, ARGUABLE, इस तरह से। ठीक उसी तरह से एक वर्ड है ब्लेम, ब्लेम में IVLE यूज करें या फिर AVLE, तो इसके अंत में भी आपका क्या आया? ई। और तो क्या यूज किया जाएगा? आपका ब्लेमेबल, BLAMABLE। और देख लेते हैं जैसे डिजायर, DESIRE, इसके एंड में भी ई का यूज, ई लेटर आया है, तो यहाँ पर भी AVLE का यूज किया जाएगा, डिजायरेबल। नेक्स्ट वर्ड है लव, LOVE, इसके एंड में भी ई का यूज हुआ, तो यहाँ भी क्या यूज किया जाएगा? लवेलेबल, यानी AVLE।
और देखते हैं आपका मूव है MOVE, इसके हेड में ई आया, कंप्लीट अर्थ आ रहा है, ई को हटा देंगे और उसके स्थान पर क्या लगा देंगे हम, ABLE यानी मूवेबल। तो ये जो मैं अभी यूज बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि आप कहाँ पर ABLE का यूज करें, इसके बाद में आपको बताऊँगा कहाँ पर आपको IBLE का यूज करना है, क्योंकि प्रोनंसिएशन में लगभग ये दोनों जब भी आप इन्हें कहीं लगाते होंगे तो लगभग सेम अर्थ आता है प्रोनंसिएशन में भी, ठीक है। जैसे और एक वर्ड देख लेते हैं, साइज, SIZE, साइज में क्या करना है आपको, लास्ट में ई आया तो साइजेबल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, IBLE हो गया, ABLE, तो ये हो जाएगा आपका ABLE, साइजेबल। नेक्स्ट वर्ड है यूज, यूज क्या हो जाएगा आपका, यूजेबल, USABLE, ठीक है। इसी तरह आपका एक वर्ड है वैल्यू, VALUE, वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, वैल्यूएबल, जिसमें आपको ई हटा के ABLE का यूज वहाँ कर लेंगे। तो इस तरह से आपके दो यूज कंप्लीट हुए कि आपको कहाँ पर ABLE सफिक्स का प्रयोग करना है। नेक्स्ट यूज है आपका जिसमें कोई लेटर आपका मीनिंग के एंड में आता है आई, क्या आता है इसमें आई, और उसके बाद आपको यूज करना हो ABLE या IBLE में से, यदि आई आता है तो उसके बाद भी आप हमेशा ABLE का यूज करें। जैसे बात कर लेते एमीकेबल, एमीएबल है, सॉरी AMIABLE, एमी में क्या आया, लेटर आई, और इसके बाद हम जब भी सफेद से यूज करेंगे तो IBLE नहीं लगाना है, ABLE का यूज करेंगे, ठीक। उसी तरह अप्रिसिएबल, अप्रिसिएबल में क्या होता है, APPRECI, ABLE आता है, तो I के बाद आप क्या आ रहा है, ABLE, यानी I आया है तो उसके बाद ABLE का ही यूज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट यूज की बात कर लेते हैं कि यदि किसी वर्ड के अंत में EE आता है, लेटर EE आता है, तो उसमें हम IBLE का यूज करेंगे या ABLE का, तो डेफिनेटली हम उसमें ABLE का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें, एग्री, AGREE, एग्री भी सहमत होना, और एग्री में क्या है, EE लास्ट में, तो IBLE का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे हम ABLE का, एग्रीएबल हो जाएगा, ठीक। उसी तरह एक वर्ड है फ्री, FREE, इसे यहाँ भी EE का यूज किया जाए तो यहाँ भी आप क्या यूज करेंगे, फ्रीएबल। नेक्स्ट वर्ड है डिसएग्री, डिसएग्रीएबल हो जाएगा, ABLE का यूज किया जाएगा, और नेक्स्ट वर्ड है सी, SEE, तो यहाँ पर भी सीएबल होगा, यानी SEE ABLE। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे यहाँ पर जिन एग्जाम्स में स्पेलिंग एरर आती है या फिर फोर ऑप्शन दे दी जाती है, पूछा जाता है कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट होगी, तो इस सिचुएशन में आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे और बहुत ही आसानी से आप वहाँ पर पहचान सकते हैं कि हमारी कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होगी इसमें से। चलिए, कोई वर्ड है जिसके अंत में ए आ रहा है और उसके बाद हमें आपका नया वर्ड बनाना है, ABLE लगाना है, तो ए से वो पूरा वर्ड वहाँ से रिप्लेस हो जाता है। जैसे अबोबिनेशन है आपका, अबोबिनेशन में जो आपकी स्पेलिंग है वो क्या होगी, ABOMINATION, अबोबिनेशन, और जब हम इसमें ABLE या IBLE का यूज करेंगे तो कहाँ से हम हटा देंगे, TION आपका हट जाएगा जो कि नाउन है, और अबोबिनेबल हो जाएगा, ABOMINABLE, तो जो N के बाद A था तो यहीं से आप ABLE का यूज कर देंगे बजाय IBLE के। नेक्स्ट वर्ड जैसे कैपेसिटी, CAPACITY, कैपेसिटी में क्या होता है कि आपका सिटी वर्ड हट जाता है, CITY हट जाता है, और क्या बचता है एंड में A, और A बचा वहीं से आप ABLE का यूज कर देंगे, यानी कैपेसिटी का क्या हो जाए, कैपेबल, CAPABLE, ठीक। उसी तरह आप देखें ड्यूरेशन, DURATION, यहाँ भी DURA और ये TION आपका हट जाएगा, और यहाँ पर A जो आप बचा है उसके यहाँ क्या आ जाएगा, ABLE का यूज हो जाएगा। इसी तरह हॉस्पिटैलिटी है आपका, हॉस्पिटैलिटी में क्या होता है आपका, LITY हट जाएगा, A एंड में बचेगा हॉस्पिटल में, और उसमें आप क्या यूज करेंगे, ABLE, हॉस्पिटेबल। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, आई होप। इसी तरह टॉलरेट वर्ड लिखा हुआ है TOLERATE, तो यहाँ पर क्या होगा, TOLERA, यहाँ तक आपका वर्ड रहेगा और TE हट जाएगा, और A जो बचा है उसके यहाँ आप क्या यूज करेंगे, ABLE का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टॉलरेबल। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर बॉयलेट, BIOLATE, यहाँ भी आपका टी हट जाएगा और ए एंड में बचेगा, तो क्या हो जाएगा, बॉयलेबल। चलिए
चलिए नेक्स्ट यूज की बात करते हैं कि जब भी किसी वर्ड के अंत में एक ऐसा लेटर आए सी जो बहुत ही हार्ड हो, जिसका प्रोनंसिएशन किस में आए क्रासे, यानी थोड़ा उस पर स्ट्रेस होता है सी पर बोलते समय, जैसे एमिकेबल एमिकेबल, तो एमी बोल तो ठीक है, लेकिन केबल बोलते समय वहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रेस हुआ थोड़ा सा हल्का। तो जब भी सी का प्रोनंसिएशन क्रासे आए और वहाँ पर हल्का सा स्ट्रेस हो, तो वहाँ पर भी सी के बाद ए बी एल ई का यूज कर दिया जाता है, जैसे एमिकेबल है आपका वर्ड, ठीक उसी तरह एप्ली एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल फिर सी का अर्थ किससे आया, प्रोनंसिएशन क्रासे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा सी ए बी एल ई एप्लीकेबल। ठीक उसी तरह एडुकेबल है ई डी यू सी ए बी एल ई, तो एडुकेबल यानी सी का प्रोनंसिएशन क्रासे आया और वहाँ पर यूज हो जाएगा उसके आगे ए बी एल ई। ठीक उसी तरह आपका प्रैक्टिसेबल है पी आर ए सी टी आई सी ए बी एल ई प्रैक्टिकेबल, तो प्रैक्टिकेबल में क्या हो जाएगा आपका, वहाँ फिर सी का प्रोनंसिएशन क्रासे है और थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है खा पर, तो वहाँ पर भी ए बी एल ई का यूज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यूज की बात करते हैं कि कई बार वर्ड के अंत में ई से पहले यानी लेटर ई आया फाइनल और उससे पहले या तो सी आता है या फिर जी आता है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है। जैसे कुछ वर्ड की बात कर लेते हैं नोटिस एन ओ टी आई सी ई नोटिस, इसके बाद यदि हमें आई वी एल ई या ए बी एल ई का यूज करना हो तो क्या करेंगे, एक और वर्ड है मैनेज एम ए एन ए जी ई मैनेज। तो मैंने क्या बताया, यदि किसी वर्ड के अंत में ई आए और उससे पहले सी या जी हो जो प्रोनंसिएशन में सॉफ्ट हो, जैसे नोटिस मैनेज, तो इसमें हमें यदि ए बी एल ई आई वी एल ई लगाना हो रहा तो किस तरह से लगाएंगे, नोटिसेबल या मैनेजेबल, यानी ए बी एल ई का यूज करेंगे आप, आई बी एल ई का यूज नहीं करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हम आई बी एल ई की, हम किन किन वर्ड के साथ सफिक्स आई बी एल ई का यूज करेंगे। तो पहला जो यूज है वो है कि एक ऐसा रूट वर्ड जिसका फुल वर्ड नहीं है, यानी वो उसका अपने आप में कंप्लीट अर्थ नहीं आएगा, जैसे कि ए बी एल ई के लिए आ जाता है कंप्लीट अर्थ, तो उसके अंत में ए बी एल ई का यूज होता है। तो ऐसे शब्दों के साथ सफिक्स हम आई बी एल ई का यूज करेंगे ना कि ए बी एल ई का, यानी कि एक ऐसे रूट वर्ड जिसका कंप्लीट अर्थ नहीं होगा उसके अंत में हम आई बी एल ई का प्रयोग करेंगे। जैसे एक वर्ड है ऑडियो ए यू डी आई ओ ऑडियो, अब ऑडियो का हमें यदि बनाना हो इसमें आई बी एल ई या ए बी एल ई लगाना हो तो क्या हो जाएगा ए यू डी आई ए यू डी आई बी एल ई, यानी ए यू डी जो लिखा हमने उसके आगे क्या आया ऑडिबल ए यू डी आई ए बी एल ई, तो ए यू डी आई बी एल ई सॉरी ए यू डी आई बी एल ई, तो ए यू डी आपका कंप्लीट अर्थ नहीं है, यानी कि जो रूट वर्ड है ए यू डी वो कंप्लीट सेंस में नहीं है, इसलिए इसमें क्या यूज किया हमने आई वी एल ई का प्रयोग किया। ठीक उसी तरह हम बात कर लेते हैं ईडिबल ई डी आई वी एल ई, तो ई डी अपने आप में कंप्लीट अर्थ नहीं देता, यानी ये वर्ड जो है ना रूट वर्ड वो कंप्लीट नहीं है ईडिबल, तो इसके अंत में क्या यूज किया जाएगा आई वी एल ई का यूज किया जाएगा। ठीक उसी तरह हॉरिबल वर्ड है एच ओ डबल आर आई वी एल ई, हॉरिबल में क्या होगा कि एच ओ डबल आर अपने आप में कंप्लीट अर्थ नहीं देता, तो इसके बाद कौन सा सफेद से यूज करेंगे हम आई बी एल ई का प्रयोग करेंगे ना कि ए बी एल ई का। आप समझ सकते हैं कि जिन रूट वर्ड के कंप्लीट अर्थ आते हैं उनके बाद हम ए बी एल ई का यूज करें, और जिन रूट वर्ड के कंप्लीट अर्थ नहीं आ रहे यानी वो वर्ड नहीं बनते उनमें हम आई बी एल ई का प्रयोग करेंगे। कि यदि किसी रूट वर्ड के पास चाहे आई ओ एन आता है आई ओ एन जो नाउन बनाता है, यदि किसी वर्ड के अंत में आई ओ एन लगा होगा तो नाउन होगा, तो उसका जो हम आई वी एल ई या ए बी एल ई लगाना होगा उसमें हमेशा आई बी एल ई का यूज करेंगे। जैसे आपका एक वर्ड है अफेक्शन ए डबल एफ ई सी टी आई ओ एन, तो अभी मैंने क्या बताया जिस वर्ड के अंत में नाउन आई ओ एन आए तो अफेक्ट वर्ड वर्ड है आपका अफेक्ट का अफेक्शन हो जाएगा, यदि इसमें अफेक्टिवल करना हो तो ए बी एल ई आई वी एल ई क्या लगाएंगे, तो इसमें यूज करेंगे आई वी एल ई का यानी अफेक्टिवल डबल एफ ई सी टी आई वी एल ई अफेक्टिवल। नेक्स्ट वर्ड है आपका इसी में देख लेते हैं एक्सपेंशन ई एच पी ई एन एस आई यू एन, इसमें भी आई यू एन आया, यदि हमें इसमें ए बी एल ई आई वी एल ई लगाना होगा तो आई वी एल ई का यूज किया जाएगा, जैसे एक्सपेंसिबल
ESPENSIBLE IBLE यूज किया जाएगा। ठीक उसी तरह आप यहाँ पर देखें परफेक्शन PERFECTION वर्ड के अंत में IUN आया। यदि इसमें ABLE IBLE का यूज करना हो तो क्या करें IBLE का यूज करेंगे यानी परफेक्टेबल PERFECTIBLE। और देख लेते हैं सप्रेशन है आपका SUPPRESSION इसमें भी IUN आया तो इसमें IBLE का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट यूज की बात करते हैं कि यदि किसी वर्ड के अंत में मीनिंग के अंत में आपका रूट वर्ड के अंत में NS आता है यानी कि वो वर्ड आपका NS में फिनिश होता है तो कुछ एक दो वर्डों को छोड़ करके हमेशा उनके साथ IBLE का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्ड है आपके डिस्पेंसिबल अपवाद के रूप में रहेगा इनडिस्पेंसिबल अपवाद के रूप में रहेगा इसमें ABLE का यूज किया जाता है। लेकिन जैसे कॉम्प्रहेंसिबल है कॉम्प्रहेंस है जैसे COMPRESENS NS आया अंत में यानी वर्ड के अंत में NS आए उसके आगे हमेशा IBLE का प्रयोग किया जाता है ना कि ABLE का। ठीक उसी तरह एक्सपेंस EXPENS एक्सपेंसिबल में क्या आता है IBLE का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह सेंसिबल SENS यहाँ भी NS आया इसके आगे क्या यूज किया जाएगा IBLE का यूज किया जाएगा सेंसिबल। नेक्स्ट यूज की बात करते हैं कि यदि कोई वर्ड रूट वर्ड आपका मिस में फिनिश होता है MISS जैसे आपका एडमिस है एडमिस एडमिसिबल होता है परमिसिबल होता है PERMISSIBLE। ठीक उसी तरह आपका डिसमिस वर्ड है DISMISS तो यहाँ भी MISS में फिनिश हो रहा है तो यहाँ भी आपका IBLE सफिक्स का यूज किया जाएगा तो क्या हो जाएगा DISMISSIBLE। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे और यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।